मित्रों, स्वागत है आपका परीक्षा मेंटर चैनल में। नवोदय विद्यालय की एक और वैकेंसी के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय नॉर्थ ईस्ट रीजन की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी के अलावा है। इस वैकेंसी में जो भी अप्लाई करेगा उन सभी अभ्यर्थियों को नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन स्टेटों में ही इस वैकेंसी वाले अभ्यर्थियों को जिनका सिलेक्शन होगा पोस्टिंग दी जाएगी। जिनका भी सिलेक्शन इस वैकेंसी में होगा, जो कि स्पेशल नॉर्थ ईस्ट वैकेंसी है नवोदय की, उन सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 7 साल तक इन जगहों पर पोस्टिंग दी जाएगी। इसमें 1/3 महिलाओं को लिया जाएगा। ये NBS की कोशिश रहेगी कि महिलाओं को 1/3 इसमें दिया जाएगा। इसमें कुछ अलग से अलाउंसेस हैं जो आपको नौकरी के दौरान मिलेंगे। देखिए, 7 साल तक आपको स्टे करना पड़ जाएगा, उसके बाद आप दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बात करें वैकेंसी की, तो प्रिंसिपल की वैकेंसी यहाँ पे टोटल 66 हैं, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। बात करें यहाँ PGT वैकेंसी की, तो PGT में भी देखिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है PGT में। टोटल PGT की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 294 वैकेंसी है। और मैं फिर से बता दूँ, ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी से अलग है। एक दूसरा नोटिफिकेशन भी है जो ऑल इंडिया लेवल पर आया है, उसमें सभी अभ्यर्थियों को ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, इनमें अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन होगा, इन्हें केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही पोस्टिंग दी जाएगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं टीचिंग वैकेंसी का, उनके लिए यहाँ पर अच्छा मौका है। बात करें TGT वैकेंसी की, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल स्टडी, कैटेगरी वाइज भी यहाँ वैकेंसी दे रखी हैं। टोटल यहाँ पे 136 वैकेंसी है। मिसलेनियस टीचर की बात करें, म्यूज़िक, आर्ट, फिज़िकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, तो इनकी टोटल 88 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें PGT के सब्जेक्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो आपका मास्टर होना चाहिए, साथ में BEd भी आपका ज़रूर होना चाहिए। मित्रों, देखिए PGT के लिए आपकी उम्र 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें TGT की वैकेंसी की, तो यहाँ पे देखिए आपका BA या फिर ग्रेजुएशन, जो भी सब्जेक्ट आपका है, उसमें 50% आपके मार्क्स भी होने चाहिए, CTET आपका होना चाहिए। और एज की बात करें तो एज यहाँ पे 35 से कम या मैक्सिमम 35 तक आपकी एज होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए म्यूज़िक की बात करें तो यहाँ पे ये जितने भी मिसलेनियस टीचर्स हैं तो सबका ग्रेजुएशन लगभग होता ही है, कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, और साथ में BEd आपका होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा NBS के द्वारा। SC ST हो, OBC हो, या फिर कोई रेगुलर एम्प्लॉई हो या अन्य एम्प्लॉई हो या कोई दिव्यांग हो, सबको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पे बात करें सिलेक्शन की, तो नवोदय के द्वारा रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है और साथ ही इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो रिटर्न इसका ऑनलाइन के माध्यम से होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जो रिटर्न में क्वालिफाई करता है उसके बाद ही उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में, ये तो सिटीज़ हैं जहाँ पे ये एग्ज़ाम होगा। सिलेबस की बात करें तो ये प्रिंसिपल का सिलेबस है। यदि आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस सिलेबस को देखिए। हम यहाँ बात करेंगे PGT के सिलेबस के बारे में, तो PGT का सिलेबस सेम वही है जो ऑल इंडिया वैकेंसी में है।
जनरल अवेयरनेस यहाँ 10 नंबर का है, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की, ICT यहाँ पे 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, 80 नंबर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, और 20 नंबर यहाँ पे जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश का होगा जो कि ओनली क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी आपकी जो रिटन एग्ज़ाम की मेरिट बनेगी वो होगी 130 से, इसका कट ऑफ बनेगा, और जो यहाँ क्वालिफाई करेगा कैटेगरी 5 में उसी का एवोल्यूशन आगे होगा। यदि कोई यहाँ 40% मार्क्स नहीं लाता है तो ऊपर वाले जितने भी आप मार्क्स लाते हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना होगा। सेम यहाँ अन्य पोस्ट के लिए भी है, बात करें TGT की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर, ICT 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10 नंबर, और सब्जेक्ट यहाँ पे 80 मार्क्स, टोटल यहाँ पे 120 नंबर होते हैं, और इसी का कट ऑफ बनेगा इंटरव्यू के लिए। देखिए यहाँ भी पार्ट 6 है जहाँ पर टोटल जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज टोटल मिला के 10 10 नंबर ये आएंगे, और ये होंगे 30 नंबर के। यहाँ भी 40% मार्क्स आपको लाने होंगे और यहाँ भी क्वालिफाई करना होगा। फाइनल मेरिट्स में ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, और जो यहाँ क्वालिफाई करेगा उसी को आगे इंटरव्यू के लिए कॉल दिया जाएगा। देखिए अप्लाई के लिए आपको मेल आईडी होनी चाहिए, ऑनलाइन के माध्यम से आप NVS की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो प्रिंसिपल की 2000 है, PGT की 1800, और बाकी अन्य पोस्टों के लिए यहाँ पे 1500 फीस है TGT और मिसलेनियस टीचर के लिए। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 9 जुलाई से और 29 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन शुरू और ख़त्म होगा, उसी बीच में फ़ीस भी भरी जा सकती है। तो मित्रों हमने इसका सिलेबस पहले ही अपलोड कर रखा है, आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से सिलेबस भी देख सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्र भी हमने आपके लिए बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, आप उन सभी प्रश्न पत्रों को अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूर देखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।